हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने, जो कि है ड्यूराबीम डीलक्स इंटेक्स का एयर बेड। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो दोस्तों, जाओ सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगे। तो जाइए सब्सक्राइब करके आइए, फिर हम शुरू करते हैं इसे अनबॉक्सिंग करना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने ये इंटेक्स के ड्यूराबीम डीलक्स बेड की। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इसके बॉक्स पे क्या क्या डिस्क्राइब है, फिर इसको खोलेंगे, इसमें हवा भरेंगे और इसमें सो के देखेंगे कि कैसा लगता है। नहीं है कि एक्साइटिंग प्रोडक्ट। तो दोस्तों अगर मैं इसके बॉक्स से शुरुआत करूं तो ये आता है बहुत ही बल्की बॉक्स में। आपको यहां पे ऊपर हैंडल उठाने के लिए मिलता है, यहां पे लिखा हुआ होता है इंटेक्स फाइबर टेक टेक्नोलॉजी। मीन्स जब आप इस पर सोओगे तो अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बॉडी वेट हो रहा है तो ये ऐसे डिप नहीं होगा, बल्कि ये एकदम स्ट्रेट रहेगा, आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखेगा। ये है इसकी फाइबर टेक टेक्नोलॉजी। और दोस्तों इसके अंदर तीन मॉडल आते हैं, एक आता है ड्यूराबीम स्टैंडर्ड, ड्यूराबीम प्लस और तीसरा मॉडल आता है ड्यूराबीम डीलक्स, जो कि ये डीलक्स है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अंदर जो बीम्स लगी हुई हैं, इसके अंदर जो दिखाया हुआ है आप देख सकते हो, वो स्ट्रेट में ऐसे लगी हुई हैं जो कि फुल बॉडी वेट को सपोर्ट करती हैं। अगर आप यहाँ बीच में वेट रखोगे तो यहाँ पे ये एकदम से डिप नहीं होगा, बल्कि एकदम स्टैग्नेंट मीन सीधा ही रहेगा बेड। बीच में मैं बैठूंगा तो ये नहीं बीच से दब जाएगा, बल्कि स्ट्रेट ही रहेगा। ये इसकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इसमें हमारे को मिलता है दोस्तों साइड का बॉर्डर बेड का, जो कि हमारे को गिरने से रोकेगा भी। और दूसरी चीज जो मिलती है दोस्तों, हमारे को मिलता है इसमें इंटेक्स का इनबिल्ट एयर पंप, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, आपको बाहर से कोई पंप वम हवा वाले लेने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों इसकी डायमेंशन की बात करूं तो आप देख सकते हो ये मिलती है 60 इंचेस इंटू 93 इंचेस इंटू 34 इंचेस, यानी कि ये 5 फुट चौड़ा होने वाला है। 93 इंचेस दोस्तों बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, 8 फुट से 2-3 इंच ही कम तो उतना आपको इसकी लेंथ मिलने वाली है। 34 इंचेस इसकी हाइट मिलने वाली है, यानी कि 3 फुट के करीब इसकी यहाँ पे हाइट होने वाली है। तो ये मिलता है दोस्तों हमारे को, ये फ्रंट पे ये सारी इंफॉर्मेशन, इसमें है एयर लॉक टेक्नोलॉजी और इस पे हम 273 kg के मींस लोड कैपेसिटी इस पे डाल सकते हैं। और इस पे 0 to 1 साल तक का बच्चा इस पे अलाउड नहीं है, ड्यू टू उनके साइज के अकॉर्डिंग 1 साल से बड़ा बच्चा इस पे सो सकता है। और दोस्तों इसके बाद बताऊं, इसके ऊपर एक लगा हुआ होता है ये ऐसा एक लीफलेट, जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिजाइन फॉर कंफर्ट इंटेक्स और इसकी फाइबर टेक टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि है इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी के कैसे वर्क करती है, और बाकी अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। और इसके अंदर देखो सुपीरियर स्टेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, और एयरबेड्स होते हैं उसमें ऐसा बल्ब सा आ जाता है नीचे, ये एकदम स्ट्रेट रहता है। अगर आप वेट एक जगह रखोगे और बेड्स में ऐसे ये आप देख सकते हो लाइनें आ जाती हैं, लेकिन इसमें नहीं आएंगी, एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये है इसकी फाइबर टेक टेक्नोलॉजी। अब इसके साइड की बात करें दोस्तों, तो इसके साइड पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ होता, बस ये सब डायमेंशन वगैरह लिखी हुई होती हैं, वही सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं दोस्तों अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, और इस पर हमारे को देखने को कुछ नहीं मिलता। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों इसको खोलने। यहाँ पे देखो ये आंटी जी सोते हुए दिखाई हुई हैं, तो इसमें आप फाइबर देख सकते हो कि किस तरीके से गई हुई है, देख रहे हो आप दोस्तों, ये ऐसे ऐसे गई हुई है, इसकी वजह से बॉडी वेट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसमें। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इसको खोलने, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारे को इसको किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खोलना है, क्योंकि एक इन्फ्लेटेबल प्रोडक्ट है। तो हम इसको नाखून से खोलेंगे, कुछ नहीं करना, नाखून को ऐसे लगा के जो टेप वाला एरिया है उस पर ऐसे ऐसे घिसना है, तो टेप अपने आप ही हट जाएगी, और फिर ये हट जाएगी तो हमारे को बस इसको निकालना है बाहर खुला। बहुत अच्छी पैकिंग है दोस्तों हमारे को इसमें देखने को मिलती है। तो ये लीफलेट इसके अंदर से निकालना है, ये वाला बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट हटा लिया और इसको भी मैंने हटा लिया। तो दोस्तों अंदर से आप देखो ये चीज देखने को हमारे को मिलती है। अब ये रहा बॉक्स, बॉक्स को हमने खोला, उसमें मिलता है हमारे को ये कुछ, ये मिलता है दोस्तों हमारे को इंटेक्स का बैड। इसको लेके मैं सब्जी खरीदने नहीं जाऊंगा, इसमें मैं खोलने के बाद ये वाले बैग को बेड को पैक करके रखूंगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये बहुत बड़ा है, इसमें तो मैं भी आ सकता हूँ। वाओ, बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्तों, पैराशूट वाले कपड़े का बना हुआ होता है और इसमें दोनों तरफ हैंडल ऐसे स्ट्रिज मिलते हैं, ये नहीं कि बेकार क्वालिटी का बैग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग हमारे को ये मिलता है। अभी मैं रखूंगा इस बैग को साइड में दोस्तों,
इसको रख देता हूँ मैं साइड में, और ये रहा हमारा बैट। अब मैं इसको बाहर निकालने वाला हूँ, थोड़ा सा हैवी है दोस्तों। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ पहले इसके बॉक्स को, और फिर इसे बाहर निकालता हूँ। निकल जा। और दोस्तों हमारे को इसमें कुछ भी नहीं मिलता, ये रहा इसका बॉक्स, और ये रहा बैट जो हमारे को आप देख सकते हो यहाँ पे मिलता है देखने को। इसके अंदर कोई ऐसा पाउच भी है, तो अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कहीं से खोलने का इंतजाम है इसको। इसको खोलने का इंतजाम है दोस्तों यहाँ से, ये बस पॉलिथीन चुपकी हुई है, तो मैंने इसको यहाँ से खोल लिया है और इसको मैं निकालता हूँ आराम से बाहर। मेक श्योर दोस्तों जहाँ पे आप इसको इंसुलेट करके लगाने वाले हो वो जगह क्लीन हो, वहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, जिससे कि आप इसको आराम से इंसुलेट करके इसके मज़े ले सको। पॉलिथीन रख दी मैंने यहाँ पे दोस्तों साइड में। इसके साथ एक किताब मिलती है पढ़ने को, जो कि मैं नहीं पढ़ता क्योंकि मैंने अपने स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर जो हमारे को पंप देखने को मिलता है, ये वाला जो आप देख रहे हो प्ले का ऊपर की तरफ निशान, ये आप देख रहे हो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे प्ले का बटन है ऊपर की तरफ, तो ये है इन्फ्लेट का, ये स्टॉप का मतलब है कि आप रुक जाएगा पूरा पंप। और ये जो नीचे वाला आप ट्राइंगल देख रहे हो, इसका मतलब है कि डिफ्लेट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, इसमें रोलर वाला मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ से हवा इसके अंदर इनलेट में जाती है और डिफ्लेट होती है। और इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें है दोस्तों पावर कॉर्ड, जो कि हमें निकाल के इसके अंदर हवा भरने के लिए काम आएगी, और मतलब कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाने के काम आएगी। तो अब हम बिना किसी देरी के दोस्तों, और ये इसके साथ हमारे को मिलता है एक रिपेयर पैच, अगर बाय चांस कहीं से कुछ लीकेज हो जाए तो हमारे को ये यूज़ करने के लिए एक रिपेयर पैच भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रख देते हैं हम डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर वापस। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसकी क्वालिटी की, इसकी क्वालिटी की बात बताऊँ दोस्तों, तो नीचे वाला जो मटेरियल है वो रिवर राफ्टिंग वाला बोर्ड जो आपने देखी होगी उस मटेरियल से बना हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेच हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बहुत ही अच्छा मटेरियल है दोस्तों ये, आप देख सकते हो, आपको वीडियो में भी लग रहा होगा। अगर मैं इस पर नाखून से भी घिस रहा हूँ तो कोई स्क्रैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ड्यूरेबल बहुत अच्छा है। रिवर राफ्टिंग बोट्स आपने देखी है ना दोस्तों, कितनी हार्ड हो जाती हैं और कितने कैसे मींस टफ वाटर के अंदर वो सर्वाइव करती हैं, तो ये उस क्वालिटी का ही बना हुआ है। अब मैं इसके अंदर की बात बताऊं दोस्तों, तो अंदर की साइड और ऊपर टॉप की साइड पे इसके ऊपर चढ़ा हुआ है वेलवेट। तो वेलवेट आप जैसे कि कपड़ा देख सकते हो, इसमें आप शेडिंग जो आ रही है तो ये वेलवेट कपड़े की शेडिंग है। अगर मैं इस पर हाथ लगा रहा हूँ, एकदम कपड़े वाली फीलिंग आ रही है। अब मैं बिना किसी देरी के दोस्तों इसको लगाने वाला हूँ इसके पंप को इलेक्ट्रिक सॉकेट में, और इसमें करने वाला हूँ हवा इन्फ्लेट, फिर देखते हैं कि कैसे ये फूल के बड़ा हो जाता है। आई एम टू एक्साइटेड। तो इसको डब्बे को रखता हूँ मैं दोस्तों साइड में, यहाँ पे बनाता हूँ जगह, और फिर इसको इन्फ्लेट करके आप देखिए वीडियो के अंदर कैसे इन्फ्लेट होता है। तो दोस्तों अब मेरा यहाँ पे हो गई है एक्सटेंशन कॉर्ड तैयार, ये रहा बैट। तो मैं बैट को खोल लेता हूँ हल्का से, जिससे मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा कितना बड़ा होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो विड्थ इसकी इतनी रहने वाली है, तो मेरे पास हाँ सफिशियंट स्पेस है कि जहाँ तक ये फूलेगा तो वहाँ तक के लिए मैंने स्पेस क्लियर करा हुआ है। अब मेरे को कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके अंदर से निकालनी है मेरे को कॉर्ड बाहर। अगर आप इधर आ सकते हैं तो मैं आपको एक बार कॉर्ड सिस्टम समझा सकता हूँ। तो ये है दोस्तों इसका इंटेक्स का पंप, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें अंदर फिट करा हुआ है। मेरे को ये खोलना है और इसके अंदर से ये वाली कॉर्ड निकालनी है बाहर। इसके अंदर तो ओ भाई पैसे छुपा के रखूंगा, इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलता, इसको इतना खुला रहने दो। और इसके बाद इस कॉर्ड को आप ये जो सॉफ्ट वायर होती है इसको हटा के वायर को आप खोल लीजिए और इसको रख दीजिए साइड में, और ये काम आएगी क्योंकि आपको दोबारा पैक करने के लिए। अब ये लगा रहा हूँ दोस्तों मैं एक एक्सटेंशन कॉर्ड के अंदर, ये रही एक्सटेंशन कॉर्ड, और इसमें मैंने लगा ली और इसको कर देता हूँ मैं ऑन। ऑन करने से पहले ये देख लीजिए कि स्टॉप बटन पे हो और कुछ ना हो। अब मेरे को इसको इन्फ्लेट करना है दोस्तों, तो मेरे को इन्फ्लेट मतलब कि हवा इसके अंदर डालनी है, तो अंदर वाला एरो करना है, और जब बाहर निकालनी हो तो बाहर वाला एरो करना है इस वाली तरफ, तो हवा बाहर निकलेगी। पुच्ची को बहुत मज़े आ रहे हैं, वो अभी से इस बेड को प्यार करने लग गई है कि मेरा बेड आ गया। बेटा ये तुम्हारा बेड नहीं है, अभी जाइए आप। अब मैं इसको करने वाला हूँ इन्फ्लेट, तो अब देखो ये कैसे भागती है।
तो दोस्तों मेरे भल्ली इसमें हवा, आपने देखो कैसे एकदम बड़ा होके एकदम उधर की तरफ चला गया, मेरे को तो बहुत मजा आया। तो अब मैं दोस्तों इसकी जो ये कॉर्ड है ये वाली, अरे मेरे माइक की कॉर्ड भी इसमें चली गई। तो ये वाली जो कॉर्ड है दोस्तों इसको अब मैं वही कर रहा हूँ, पैक कर दिया है, इसके ऊपर ये मैं दोबारा लगा दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ पूरा 2-4 हफ्ते। उसके बाद मैं इसको रख दूंगा संभाल के, जब कोई गेस्ट आएगा तब मैं निकालूंगा। और इसके बाद मैंने इसको अंदर से डाल दिया और उसके बाद इसको लगा देंगे क्लिप और ये हो गया बाल, सो नाइस एंड नीट एंड क्लीन। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमने कर लिया इसको इन्फ्लेट, अब मैं कराता हूँ इस बेड का टूर आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं इसके बारे में, लेकिन ये सारी कपड़े पे प्रिंटेड है, ये पूरा कपड़ा है, पूरा फैब्रिक है दोस्तों, और ये ऊपर भी फैब्रिक है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो आप ये बम्पीनेस देख रहे हो, ये बम्पीनेस किसकी वजह से है, ये है एयर लॉक टेक्नोलॉजी की वजह से जो कि इंटेक का पेटेंट है। और इसके अंदर जो फाइबर टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो यही टेक्नोलॉजी है कि दबता है तो ये आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं हो रहा लोड, पूरे पे ही कंसंट्रेट हो रहा है, मींस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड। लेकिन इस बेड में सबसे अच्छी खासियत क्या है दोस्तों, वो रहा बैक सपोर्ट। तो आप देख सकते हो ये मींस इसमें आपको वुडन कंस्ट्रक्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो रहा बैक सपोर्ट तैयार आपको मिलता है। और वो पतला नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट करोगे तो वो पीछे की तरफ झुक जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको पीछे की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि कितना ड्यूरेबल है वो वाली चीज भी बैक सपोर्ट की। आइए दोस्तों, तो ये रहा बैक सपोर्ट इसका, तो आप देख सकते हो ये अराउंड 1.5 फीट के करीब चौड़ा है, यहाँ से लेकिन यहाँ तक अराउंड 1.5 फीट के करीब इसके अंदर मींस इसकी विड्थ है। और इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हो ये वाला पैटर्न, तो इसके अंदर भी फाइबर लॉक टेक्नोलॉजी है, जो फाइबर आपने देखा ना ड्यूरा बीम टेक्नोलॉजी, वो इसके अंदर भी है। तो इसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ मिलती है कि अगर आप बैक सपोर्ट भी लगाओ तो ये ऐसा ही नहीं है कि पीछे चल के आप गिर जाओगे इससे। और दोस्तों अगर इसके पीछे की बात बताऊं तो पीछे अगर आप जैसे कि जो बेड होता है वो जनरली हम दीवार की साइड लगाते हैं, तो दीवार की साइड की तरफ पे इस पे कपड़ा नहीं है, वो टोटली आपको वो वाली जो विनाइल मटेरियल मैंने आपको बताया वही वाला मिलता है, जिससे कि आपका ना कपड़ा गंदा हो और दूसरी बात आपका ये पीछे का सरफेस ड्यूरेबल रहे और रगड़ ना खाए। तो ये वाली चीज हमारे को देखने को मिलती है। और ये ड्यूरा बीम के आप जो बीम्स देख पा रहे हो दोस्तों वो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल भी है। और दोस्तों जो जनरली जो सारी चीजें होती हैं उन सब पे ही ये आप देख सकते हो ये वेलवेट कपड़ा चढ़ा हुआ है यहाँ साइड वाली चीजों पे, जो कि ज्यादा एक्सपोजर में होती है बेडरूम के अंदर। तो अब हम चलते हैं दोस्तों सामने और मैं इस पे करता हूँ रिलैक्स, थोड़ा चिल मारता हूँ और आपको इसको आपको इसके कंफर्ट लेवल के बारे में बताता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ इस पे फर्स्ट टाइम बैठने, तो देखता हूँ कि ये कैसा फील करता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और एयर बेड्स तो मेरे फेवरेट हैं, तो मैं जाके इस पे एक बार बैठ के देखता हूँ बीच में बैठ के कैसा लगता है। तो दोस्तों वाकई में ये तो बहुत कंफर्टेबल है, मींस जैसे कि मैं और एयर बेड्स में फील करता हूँ दोस्तों, तो इसके अंदर मेरे को जो बीच में आपने देखा जो ड्यूरा बीम जो बीच में डली हुई है, तो उसका सपोर्ट मेरे को मींस नीचे महसूस हो रहा है कि उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। तो अब मैं एक काम करता हूँ इस पे बीचों बीच जाता हूँ, लेट के देखता हूँ कि कैसे कैसे मज़े आने वाले हैं मेरे को। मैं और भी पीछे हो सकता हूँ दोस्तों, मैं तो पूरा आ गया इस पे। मेरी हाइट दोस्तों मैं बताऊँ, मेरी 6 फीट मेरी टोटल हाइट है, 6 फीट 3 इंचेस मेरी टोटल हाइट है। और आप देख सकते हो कि मैंने मेरा सर यहाँ पे आ रहा है और मेरे पैर पूरे अंदर कवर्ड है इस बेड के। और यही नहीं कि मैं अकेला सो सकता हूँ इस पे, इसमें एक पर्सन की और जगह है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैं इसको कर रहा था टेस्ट, तो मैंने लेट के भी टेस्ट करा, बैठ के भी टेस्ट करा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं इस समय बैठ के टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये बैक बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट नहीं कर रही मेरे को या एकदम में पीछे खिसक गई और मैं गिर गया। ये मेरी बैक को पूरा सपोर्ट कर रही है, शोल्डर्स को सपोर्ट कर रही है, इवन मैं गर्दन लेके अगर ऐसे लेट भी जाऊँ तो मेरी नेक को पूरे को सपोर्ट मिल रहा है। और ये एक ही पर्सन के लिए नहीं दोस्तों, ये 2 पर्सन को आराम से सपोर्ट कर सकती है। अब जैसे कि आप दोस्तों मेरे को देख सकते हो, मैं लेटा हुआ हूँ बीच में, तो आपको ये वाला बेड कहीं से बीच में से बेंड नहीं दिख रहा होगा, ये सारा वेट टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वाले बेड के ऊपर। तो आप जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, जैसे गद्दे के अंदर होता है जहाँ जहाँ वेट होता है दोस्तों वहाँ से ही बस प्रेस होता है, बाकी पूरा स्ट्रेट रहता है। तो ये चीज़ मेरे को इसके अंदर, ये जो डीलक्स मॉडल के अंदर ये जो फीचर आता है ड्यूरा बीम टेक्नोलॉजी, वो वाकई में मेरे को इस चीज़ के अंदर रियलाइज़ हो रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मेरी हाइट है 6 फीट 3 इंचेस और अब मैं जा रहा हूँ इस पे लेटने, और वो भी मैं बीचों बीच लेटूंगा जिससे कि आप देख पाओ कि बीचों बीच से नहीं दबता। तो ये देखो दोस्तों मैं ये नीचे होकर पूरा लेट गया और मैं आराम से यहाँ पे
सर रख के सो भी गया। और मेरा पैर ऐसा नहीं है दोस्तों बाहर जा रहा है उसकी बाउंड्री के, बल्कि अभी भी मेरा पैर उसकी बाउंड्री के अंदर ही है और मेरा जो सर है वो एकदम इस पिलो के एकदम नीचे है। तो दोस्तों ये तो हमारा नॉर्मल गद्दे की फीलिंग है। अब मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर अगर हम बेडशीट डालें तो क्या ये एकदम वही वाली फील देगा, क्योंकि इस समय तो मेरे को गद्दे वाली ही फील आ रही है। ये इसके जो जिप लॉक्स हैं वो स्प्रिंग वाली फीलिंग दे रहे हैं, सब कुछ एकदम वैसे ही लग रहा है। मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि मैं हवा वाले गद्दे पे हूँ या स्प्रिंग वाले, लेकिन मैंने हवा भरी है तो मुझे मालूम है कि मैं हवा वाले गद्दे पे हूँ। तो अब मैं जाने वाला हूँ इस पर बेडशीट बिछाने, पिलो रखूँगा और फिर देखते हैं कितना ब्यूटीफुल लगता है। दोस्तों हमने इस पर बिछा ली है बेडशीट और ये रहे पिलो, इस पर अब मैं सो भी सकता हूँ, आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ। अब मैं इस पर जो बेडशीट बिछा के दोस्तों महसूस कर पा रहा हूँ वो एकदम घर वाली फीलिंग है कि आराम से जाओ अपने गद्दे पे जाओ और आराम से कूद के उस पर सो जाओ, कुछ नहीं करना, टीवी पे लगाओ पिक्चर, तो मज़ा ही आ गया दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों ये वाला बेड कितना औसम है। अगर आपके गेस्ट हैं और आपके पास जगह नहीं है वुडन बेड रखने के लिए तो आप इस वाले बेड को ले सकते हो, अलमारी में रख सकते हो, जैसे ही कोई आए ब्रूम फुला के उस गेस्ट के सोने का इंतजाम आप विद इन 5 मिनट्स कर सकते हो। तो ये इस प्रोडक्ट का USP है दोस्तों। तो ये थी आज की अनबॉक्सिंग जो थी इंटेक्स के ड्यूरा बीम डीलक्स एयर बेड की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एंजॉय करने। एंजॉय यार।